ह्यूमनॉइड रोबोट टेक्नोलॉजी और ह्यूमन डिजाइन के एक फैसिनेटिंग फ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो न केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस बल्कि ह्यूमन बिहेवियर के कुछ पहलुओं को भी रिप्रोड्यूस करते हैं। उनके डाइवर्स एप्लीकेशंस में मेडिकल, इंडस्ट्रियल और रिसर्च जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो रोबोटिक्स के फील्ड में नए द्वार खोलते हैं। इस वीडियो में हम कुछ रिमार्केबल ह्यूमनॉइड रोबोट्स देखेंगे, जो हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। जापान में ओसाका यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक छोटे बच्चे के चेहरे जैसा एक भयानक रोबोट का डिजाइन और निर्माण किया है, जो रियलिस्टिक दिखने वाले फेशियल एक्सप्रेशंस बना सकता है, और इसका नाम रखा गया है एफेटो, जिसका सिर्फ एक सिर है और उसका कोई शरीर नहीं है, जो मुस्कुराने और बोहें चढ़ाने जैसे ह्यूमन एक्सप्रेशंस की नकल कर सकता है। इन फेशियल एक्सप्रेशंस को स्किन जैसी सॉफ्ट मटेरियल को यूज करके जनरेट किया गया है। रोबोट को 116 फेशियल पॉइंट्स को यूज करके कवर किया गया है। अब ये रियलिस्टिक दिखने वाला चाइल्ड रोबोट सिर दर्द या पीड़ा को महसूस कर सकता है। रिसर्चर्स उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन को बेहतर बनाने में योगदान देगी, खासकर बच्चों या पेशेंट्स की देखभाल के कॉन्टेक्स्ट में। टेस्ला ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट की नई जनरेशन ऑप्टिमस जेन 2 को अनवील किया है, जिसे लोगों की सहायता के लिए विभिन्न कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ला का लक्ष्य एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना है जो ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करने के लिए वर्सटाइल हो सकता है। हालांकि कई लोगों को डाउट है कि ऐसा जल्दी हो पाएगा, लेकिन कंपनी का मानना है कि उसके ऑटोनोमस व्हीकल प्रोग्राम और बैटरी एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स के एक्सपर्टीज से उसके डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाकर ये संभव है। अब जो कुछ बचा है वो उन्हें एक ह्यूमनॉइड फॉर्म देना है, ताकि वे कुछ टास्क में मनुष्य की जगह ले सकें। इससे पहले टेस्ला ने घोषणा की थी कि ऑप्टिमस न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग से गुजर सकता है और ऑटोनोमसली ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने जैसे नए टास्क कर सकता है। रोबोट का नया वर्जन अब टेस्ला द्वारा डेवलप्ड सभी ड्राइव्स और सेंसर से लैस है। कंपनी का दावा है कि नया वर्जन अब 30% तेज चल सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स में सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में से एक उसका हाथ होता है। उन्हें एक सिग्निफिकेंट लोड को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए और साथ ही नाजुक वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए प्रिसाइज होना चाहिए। कंपनी ने कहा है कि जल्द ही वो अपने ओन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में रोबोट का उपयोग शुरू करने की योजना बना रही है। एक बार जब रोबोट अपनी यूटिलिटी को प्रूव कर देगा तो टेस्ला ने इसे बेचने की योजना बनाई है। मिलिए डॉक्टर एल्फ्रेड से, एक अनयूजुअल सर्जन जिन्होंने दुबई में अपनी शुरुआत की। पहली नजर में ग्रीन स्क्रब और गले में स्टेथोस्कोप को देखकर कुछ भी अलग नहीं लगेगा, लेकिन अल्फ्रेड कोई टिपिकल डॉक्टर नहीं है और ना ही अब तक इसने कोई सर्जरी की है। ये इंजीनियर्ड आर्ट्स कंपनी द्वारा प्रस्तुत नई जनरेशन का एक हाइपर रियलिस्टिक रोबोट है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस रिकॉग्निशन की बदौलत फ्री कन्वर्जेशन में एंगेज हो सकता है। ये रोबोट दुबई में 40 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली जीटेक्स रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में प्रदर्शित सबसे आश्चर्यजनक इनोवेशंस में से एक है। रोबोट से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, जिसमें उसके निजी जीवन के बारे में पूछताछ भी शामिल है। इसके अलावा वो लगभग सभी भाषाएं और महत्वपूर्ण रूप से एक्सेंट्स को भी समझ सकता है। कंपनी के इंजीनियरों का वादा है कि आने वाले समय में अल्फ्रेड जैसे रोबोट टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में मनुष्यों की जगह ले सकता है, जो उन्हें होटल एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसी रोल्स के लिए आदर्श बना देगा। फेमस जापानीज एक्टर केन मात्सुदायरा के चेहरे का हूबहू एक एंड्रॉइड वर्जन डेवलप किया गया है। इसे जापानीज टेलीकॉम कंपनी KDDI के प्रमोशन के लिए 4 महीनों में डेवलप किया गया था। प्रेस प्रेजेंटेशन के दौरान केन मात्सुदायरा ने उसकी समानता पर जोर देते हुए एक रोबोट सूट पहना था। एंड्रॉइड का चेहरा अविश्वसनीय रूप से मात्सुदायरा के समान है, जो एंड्रॉइड के सेक्टर में किए गए सुधारों में उच्च स्तर पर लाता है। इसका चेहरा सिलिकॉन से बना है और मात्सुदायरा के चेहरे से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि ये उनके एक्चुअल फेस से ही कास्ट किया गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट रेस्क्यू मिशन पर नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित स्थानों पर कैसे उतर रहे हैं, या जहां ये रोबोट गंभीर रूप से बीमार या बुजुर्ग लोगों की देखभाल करते हैं? इस फील्ड में महत्वपूर्ण प्रगति करने वाली कुछ कंपनियों में से एक कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज है, जिसे आमतौर पर कावासाकी के नाम से जाना जाता है। कंपनी के सबसे आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट्स में से एक ह्यूमनॉइड रोबोट क्लाइडो है। 184 सेंटीमीटर लंबा और 85 किलोग्राम वजन वाला ये रोबोट कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर
फायर्स और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे खतरनाक एरियाज में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। डेवलपर्स अश्योर करते हैं कि फ्यूचर में ये ओशन फ्लोर या स्पेस में भी काम कर सकता है। इसका ह्यूमनॉइड फॉर्म इसके मनुष्यों के समान टूल्स को यूज करने में सक्षम बनाता है। कलाइडो ड्यूरेबल और इजी टू रिपेयर है, जो इसे बहुत दिलचस्प और आशाजनक बनाता है। दुबई बेस्ड रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आरडीआई रोबोट्स ने एक नए प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, जिसका नाम आरडी रखा गया है, जो मनोरंजन जगत में धमाल मचाने के लिए तैयार है। न्यूली डेवलप्ड सिलिकॉन स्किन से इक्विप्ड एनहेंस्ड इलास्टिसिटी और हाइपर रियलिस्टिक आंखों की पेशकश करते हुए रोबोट सोफिस्टिकेटेड फेशियल फीचर्स को प्रदर्शित करता है। आरडी का आकर्षक प्रदर्शन, जिसमें सिंगिंग, भाग्य बताना और मैजिक ट्रिक दिखाना शामिल है, इसने रोबो शो में एक यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रदर्शित किया। एडिशनली ये रोबोट मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जो ह्यूमन इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्टर्स को प्रिसाइसली कैप्चर करने और उनकी नकल करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार ये ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन में एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। डॉक्टर अल्फ्रेड के अलावा इंजीनियर्स के पास डेवलपमेंट का एक पूरा समूह है, जो ये कहना संभव बनाता है कि रोबोट पहले से ही हमारे बीच है। ऐसी ही एक क्रिएशन पॉपुलर यूट्यूबर टॉम स्कॉट की रोबोटिक रेप्लिका है। ह्यूमनॉइड रोबोट तेजी से साइंस फिक्शन थ्रिलर के दायरे से एवरीडे रियलिटी में परिवर्तित हो गए हैं। कंपनियां हाइपर रियलिस्टिक रोबोट बेच रही हैं और लोग उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। फेमस यूट्यूबर टॉम स्कॉट ने हाल ही में ऐसी खरीदारी की, जब उन्होंने रोबोट मैन्युफैक्चरर इंजीनियर्ड आर्ट्स से उनके जैसा एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के लिए कहा, और उन्होंने वैसा ही किया। टॉम द्वारा रोबोट दिखाने के बाद इंटरनेट यूजर्स आश्चर्यचकित थे और कुछ हद तक चिंतित भी थे कि ये अपने क्रिएटर की कितनी सटीक नकल करता है। क्या आप भी अपना रोबोटिक वर्जन लेने पर विचार करेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। अमेरिका रोबोट को दुनिया भर में हाई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड व्यक्ति शायद ही इसको जानता ना हो। इंजीनियर्ड आर्ट्स का यह रोबोट इतना एडवांस हो गया है कि अब यह ड्रीम को सिमुलेट कर सकता है। हाल ही में एक YouTube वीडियो में अमेरिका ने यह मेंशन किया कि उसने मंगल ग्रह पर डायनासोर और एलियंस के बीच युद्ध के बारे में सपना देखा। हालांकि उसने बाद में कहा कि वो एक्चुअल में अभी तक सपना नहीं देखती है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियो से गुजर कर उनकी मॉडलिंग कर सकती है। ये रोबोट फिल्म के सीन्स दोहराता है, ड्राइंग बनाता है और कई भाषाएं बोलता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस OpenAI के ChatGPT चैटबॉट द्वारा संचालित है। कई महीनों की प्रतीक्षा के बाद एगीबॉट ने आखिरकार अपना नया रोबोट रेइस A1 रिलीज कर दिया। रेइस A1 एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे शुरू में फैक्ट्री सेटिंग्स के लिए डिजाइन किया गया था। इसका लक्ष्य होम किचन्स में अपनी जगह बनाना है। रोबोट ने स्थिर चलने की क्षमता हासिल कर ली है और ये 7 किलोमीटर/घंटे तक की स्पीड तक पहुंच सकता है। ये एक वर्सेटाइल मशीन है, जो असेंबली लाइंस पर बोल्ट कसने, इंस्पेक्शन टूल्स को हैंडल करने, एक्सटर्नल व्हीकल इंस्पेक्शन करने और यहां तक कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में उपयोग करने जैसे कार्यों में सक्षम है। 49 डिग्री की फ्रीडम के साथ रोबोट अपनी पूरी स्ट्रक्चर में 80 किलोग्राम तक वजन का सामना कर सकता है। इसकी प्रत्येक आर्म्स 5 किलो तक का भार सहन कर सकती है। पैर बाइपेडल रोबोट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये रोबोट एक यूनिक अप्रोच अपनाता है। इसके घुटनों में रिवर्स जॉइंट है, जो इससे मनुष्य की तुलना में रेंज ऑफ मोशंस और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। कंपनी ने कहा है कि वो रोबोट की कीमत लगभग $30,000 प्रति यूनिट रखने का प्रयास करेगी। पेटमैन बोस्टन डायनामिक्स द्वारा डेवलप्ड एक मानव रूपी रोबोट है, जिसे केमिकल एक्सपोजर से बचाने वाले कपड़ों की टेस्टिंग के लिए डिजाइन किया गया है। पेटमैन के लिए उन सिचुएशंस को सिमुलेट करने के लिए नेचुरल मूवमेंट क्रूशियल है, जहां प्रोटेक्टिव गियर में एक सोल्जर रियल लाइफ सिनेरियोस में एक्सटर्नल कंडीशंस में एक्सपोज होता है। टेस्टिंग सूट के लिए उपयोग किए जाने वाले पिछले रोबोट्स के विपरीत, जिनकी मोशन लिमिटेड थी और मैकेनिकल सपोर्ट की आवश्यकता थी, पेटमैन बैलेंस और फ्रीली मूव करता है। ये केमिकल और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के प्रभाव में चलता है, झुकता है और कई फिजिकल एक्सरसाइजेस करता है। पेटमैन रियलिस्टिक टेस्टिंग कंडीशंस को सुनिश्चित करते हुए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और परस्पिरेशन को नियंत्रित करके प्रोटेक्टिव गियर में ह्यूमन फिजियोलॉजी को रेप्लिकेट भी करता है। मिलिए जेमिनॉइड डी के नामक एक रोबोट से, जिसने ना केवल अपने रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशन से बल्कि आलबॉग यूनिवर्सिटी के डेनिश प्रोफेसर हेनरिक स्कारफे से अपनी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस से भी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है।
प्रोफेसर स्कार्फे ने रोबोट के डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और रोल मॉडल के रूप में कार्य किया। एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल के इंजीनियर हिरोशी इशिगुरो और उनकी टीम भी जेमिनॉइड डीके के निर्माण में योगदान दिया। रोबोट के शोल्डर्स, नेक और फेस न्यूमेटिक एक्चुएटर से इक्विप्ड है, जो इसे पलके झपकाने, फेशियल एक्सप्रेशंस और ब्रीदिंग को सिमुलेट करने में मदद करता है। रोबोट को ऑपरेटर के फेशियल एक्सप्रेशंस और हेड मूवमेंट्स को ट्रैक करने और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनकी नकल करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ऑपरेटर दूर से रोबोट के आसपास की हर चीज को देख और सुन सकता है, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है और रोबोट हर एक्शंस की नकल करता है। जेमिनॉइड डीके को ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शंस का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से किसी रियल पर्सन के रोबोटिक वर्जन्स का सामना करते समय लोगों की रिएक्शंस का। इंजीनियर्स ने फूडली रोबोट बनाया है, जो करंटली विजिटर्स के लिए फूड तैयार करने के लिए इंसानों के साथ काम करता है। हालांकि फ्यूचर में यह पूरी तरह से इंसानों की जगह ले लेगा और सभी टास्क इंडिपेंडेंटली करेगा। आज जापान अपने एजिंग पॉपुलेशन से संबंधित सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में से एक का सामना कर रहा है। रिटायर्ड लोगों की बड़ी संख्या के कारण वर्कफोर्स की कमी है। परिणाम स्वरूप देश रोबोटिक्स के डेवलपमेंट में लीडिंग पोजीशंस पर है, क्योंकि रोबोट जापानियों को लेबर शॉर्टेज से निपटने में मदद करेंगे। इस उद्देश्य के लिए आर्टी कॉर्पोरेशन ने फूडली नामक एक रोबोट डेवलप किया है, जिसे फूड इंडस्ट्री में मनुष्यों के साथ सहयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। फूडली एक बैटरी पावर्ड रोबोट है, जिसे यूज करते वक्त पावर कॉर्ड की जरूरत नहीं होती है। इसके डिजाइन में स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए प्रोडक्ट में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स पड़ने का कोई रिस्क नहीं है। बेशक चूंकि एक रोबोट है, इसलिए बॉडी हेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस से कंटेमिनेशन का कोई खतरा नहीं है। नवंबर 2022 में आरटी कॉर्पोरेशन की प्रेस रिलीज में मेंशन किया गया था कि फूडली की कीमत लगभग $69,000 प्रति यूनिट होगी। कार्य की कॉम्प्लेक्सिटी और टारगेट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के कारण फूड प्रोडक्शन प्रोसेस, विशेष रूप से प्लेटिंग स्टेज को ऑटोमेट करना काफी डिफिकल्ट माना जाता है। यही कारण है कि करंट प्रोसेसेस मेनली मैनुअल लेबर पर निर्भर है और अर्जेंट एफिशिएंसी में सुधार की आवश्यकता है। फूडली के साथ लोग प्रोडक्टिविटी और हाइजीन दोनों में सुधार देखने की उम्मीद कर सकते हैं। रोबोट डेवलपमेंट कंपनी स्पीसीज कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी इमोशनली एक्सप्रेसिव रोबोटिक फिगरीन की याद दिला दी है। 2017 में कंपनी ने अपनी लाइफ साइज डांसिंग फिगरीन कोसाका कोकोना पेश की, ये दावा करते हुए कि ये ह्यूमन लाइक इमोशन गेस्टर्स वाली दुनिया की पहली फिगरीन है। कोकोना अपने 37 आर्टिकुलेटेड जॉइंट्स की बदौलत अविश्वसनीय रूप से स्मूथ और ग्रेसफुल मूवमेंट्स का प्रदर्शन करती है। इसे एक सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर या टैबलेट से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे यूजर्स इसकी मूवमेंट्स को डिफाइन और प्रोग्राम कर सकते हैं। कोसाका कोकोना अपनी ब्यूटीफुल फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स के साथ ऐसे रोबोट क्लोदिंग और एक्सेसरीज शोकेस करने के लिए एक काइनेटिक डायमेंशंस प्रदान करते हैं, जो स्टैटिक मैनिक्विंस का उपयोग करके संभव नहीं था। रोबोट का उपयोग दुकानों में ग्राहकों को आकर्षित करने और कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग इवेंट्स के लिए किया जा सकता है। कोकोना में 42 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसे डांस करने, अपनी आंखें और पलकें हिलाने और यहां तक कि अपनी उंगलियों को हिलाने की अनुमति देती है, जिससे ज्यादा एक्सप्रेसिव गेस्चर्स बनते हैं। उसके कपड़े कन्वेंशनल मैनिक्विंस की तरह आसानी से बदले जा सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी इंजीनियर्ड आर्ट्स ने आइडा नामक एक एआई रोबोट बनाया है, जो लोगों की ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाती है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिस्ट, जो आर्ट के लिए एआई और कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करती है, वो बात भी कर सकती है, सिर और शरीर की एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स प्रदर्शित कर सकती है और अपनी आंखों में कैमरे की मदद से चेहरे को ट्रैक कर सकती है। उसकी रियलिस्टिक स्टेयर, झपकती आंखें और थॉटफुल हेड मूवमेंट से उसकी रिएक्शंस नेचुरल और इमोशनल प्रतीत होती है। आइडा अपनी आंख में लगे कैमरे द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस से पोर्ट्रेट बनाती है, जिसे एआई एल्गोरिदम के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है और रियल स्पेस कोऑर्डिनेट्स में बदल दिया जाता है, जिसे आइडा फिर अपने रोबोटिक मोटराइज्ड आर्म को यूज करके बनाती है। आइडा पहले ही लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाली पहली रोबोट और वेनिस बिएनल में पर्सनल एग्जीबिशन लगाने वाली पहली ह्यूमनॉइड के रूप में इतिहास रच चुकी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ओशियन वन के नामक अंडरवाटर एवेटार कंट्रोल्ड रोबोट गोताखोर के एक नए वर्जन को अनवील किया है।
रोबोट को एक नॉन टिपिकल ह्यूमनॉइड फॉर्म फैक्टर में डिजाइन किया गया है। इस इनोवेशन की मुख्य विशेषता इसकी हाई मैन्युवरेबिलिटी, लगभग 1 किलोमीटर की गहराई पर काम करने की क्षमता, एक टैक्टाइल फीडबैक सिस्टम की प्रेजेंस और स्टीरियोस्कोपिक विजन है। टेस्ट के दौरान रिसर्चर्स ने 500 मीटर की गहराई पर डूबे हुए स्पेनिश टीमशिप ला फ्रांसिस्को क्रिस्पी का पता लगाया। ओशियन वन के रोबोट का पिछला वर्जन लगभग 200 मीटर की अधिकतम गहराई तक गोता लगा सकता था। तब से डेवलपर्स ने इसे ग्लास माइक्रोस्फीयर से बने फोम सिस्टम से फर्निश किया है, इसके मैनिपुलेटर्स को तेल से भर दिया है और बाहरी दबाव को संतुलित करने के लिए मैकेनिज्म्स जोड़े हैं। मोस्ट लाइकली ओशियन वन सिस्टम का उपयोग अंडरवाटर स्ट्रक्चर्स को इंस्पेक्ट और रिपेयरिंग, जहाजों की जांच और वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क के कार्यों के लिए किया जा सकता है। जाहिर है ये रोबोट पानी के भीतर आर्कियोलॉजी और डूबे हुए जहाजों के इंस्पेक्शन में भी भूमिका निभाएंगे। कावासाकी ने कलाइडर रोबोट के 8th वर्जन को जनता के सामने पेश किया है। रोबोट हेवी ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने, साथ ही वेरियस टास्क को परफॉर्म करने में काफी स्टेबल और कॉन्फिडेंट हो गया है। कलाइडो को मेनली एक रेस्क्यू रोबोट के रूप में तैनात किया गया है, जिसके लिए वेरियस सरफेस पर नेविगेट करने, सीढ़ियों पर चढ़ने और नॉन ह्यूमन एजिलिटी के साथ फिजिकल वर्क करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके पूरे शरीर में 32 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पहले के वर्जन्स के विपरीत रोबोट में अब एक स्क्रीन के रूप में एक चेहरा है, जो इसे मनुष्यों के लिए फ्रेंडलीनेस एक्सप्रेस करने की बेहतर अपील देता है। वर्तमान में रोबोट जिन कार्यों को संभाल सकता है उनमें नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान बिखरे हुए मलबे को साफ करना, बड़ी वस्तुओं को ले जाने के लिए मनुष्यों के साथ सहयोग करना और ट्रकों को अनलोड करने सहित ह्यूमैनिटेरियन एड को ट्रांसपोर्ट करना शामिल है। डिज्नी ने सार्वजनिक रूप से एक नए रोबोट प्रोटोटाइप को अनवील करके अपने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया जिस पर वे काम कर रहे थे। रैबिट नाम का ये रोबोट आम रोबोटों से अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके से चल सकता है। रैबिट गिर सकता है, उठ सकता है, कलाबाजी कर सकता है और अधिक प्रभावशाली ढंग से वह ऑटोनोमसली एक बॉक्स के बाहर क्रॉल करने में कामयाब रहा है। लेकिन शायद रोबोट की मुख्य विशेषता एक्सेलेंट बैलेंस के साथ इसकी हाई स्पीड रोलर ब्लेडिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोबोट एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया के जूडी हॉप से काफी मिलता जुलता है और डिज्नी इस तकनीक का उपयोग नए डिज्नीलैंड पार्क में फूड एंड बेवरेज सर्वर के रूप में करने की योजना बना रही है। ये प्रदर्शन ऐसे रोबोट बनाने के डिज्नी के प्रयासों का हिस्सा था जो थीम पार्क में विजिटर्स के साथ इमोशनली जुड़ सके। ऑल्टर 4 अप्रैल 2022 में ओसाका यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट स्टडीज में स्थित एंड्रॉयड एंड म्यूजिक साइंस लेबोरेटरी में पैदा हुआ एक एंड्रॉयड है। ऑल्टर 4 अपने प्रेडिसेसर्स ऑल्टर 3 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसमें फेशियल मसल्स मूवमेंट की एक एक्सपेंडेड रेंज और टंग मूवमेंट्स को शामिल किया गया है, जो एक वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस प्रदान करता है। इसके अलावा ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ और पूरे शरीर में नंबर ऑफ जॉइंट्स को बढ़ा दिया गया है ताकि और डायनामिक एक्सप्रेशंस मिल पाए, जिससे म्यूजिकल कंपोजिशंस का काफी डायनामिक एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस संभव हो गया है। मनुष्यों की तरह एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटीज और सेंसरी सिस्टम्स के अलावा, जैसे कि दोनों आंखों में कैमरा और मुंह से साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता, इसमें सिंगिंग और वेरियस म्यूजिकल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए मुंह के चारों ओर एक्सप्रेसिव एबिलिटीज भी होती है। डिक्टेटर नामक पोलैंड के एक बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक रोबोट को अपना एक्सपेरिमेंटल सीईओ नियुक्त किया है। इस मीका नाम के रोबोट को इनिशियली पोटेंशियल कस्टमर्स को एनालाइज और आइडेंटिफाई करनी थी, लेकिन अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपैंड हो गया है और इसमें कस्टम मेड बॉटल डिजाइन तैयार करने के लिए आर्टिस्ट सिलेक्शन भी शामिल हो गया है। जैसा कि रोबोट दावा करता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस और कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल के साथ अलाइनमेंट पर आधारित है और वो पर्सनल बायस से दूर है, निष्पक्ष और स्ट्रेटेजिक चॉइस सुनिश्चित करती है जो संगठन के हितों को प्राथमिकता देती है। उसने ये भी कहा, वास्तव में मेरे पास वीकेंड्स नहीं है, मैं हमेशा 24/7 रहती हूँ, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने और कुछ AI मैजिक जगाने के लिए तैयार रहती हूँ। रोबोट को हेंसन रोबोटिक्स द्वारा डेवलप किया गया है और ये मूल रूप से रोबोट सोफिया का सिस्टर प्रोटोटाइप है। जैपनीज रोबोटिक्स कंपनी जिंकी ने अपनी यूनिक हेवी मशीनरी के साथ महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। एक ह्यूमनॉइड इंडस्ट्रियल रोबोट जिसे मानव द्वारा रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। जिंकी ह्यूमनॉइड रोबोट ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन का एक उदाहरण के रूप में काम करता है।
रोबोट में एक सिर, धड़ और दो बाजुए हैं, जो एक एक्सकेवेटर के कॉकपिट के समान एक विशेष कैबिन से ऊपर की ओर फैली हुई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टेक्निकल मेंटेनेंस टास्क जैसे कि रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत या रोड साइंस को बदलने और रिपेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोबोट वर्कर्स की एक टीम की जगह ले सकता है, जिससे इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में सीरियस एक्सीडेंट्स का खतरा कम हो जाएगा। ये स्टील पाइप, प्लेट्स या वायर्स जैसे हैवी लोड्स को लिफ्ट और मूव करने में सक्षम है और अपने टास्क को एक मानव के रूप में एफिशिएंटली करता है, क्योंकि इसे एक ह्यूमन ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैपनीज रोबोटिक स्टार्टअप TMS UK ने एक लोकल डेंटल स्कूल के साथ कोलैबोरेशन से पीडियोरॉइड रोबोट डेवलप किया है, जो डेंटल प्रोसीजर्स के प्रति एक रियल बच्चे की रिएक्शंस की नकल करने में सक्षम है। इससे मेडिकल स्टूडेंट्स फ्यूचर में आने वाली चैलेंजेस के लिए तैयार हो सकेंगे। वेरियस मेडिकल कंडीशंस के साथ प्रोग्राम किए गए टैबलेट के माध्यम से फिजिकल रिएक्शंस और करस्पॉन्डिंग फेशियल एक्सप्रेशंस को सिम्युलेट करते हुए रोबोट के जॉइंट्स और चेहरे के एक्चुएटर्स में स्थापित एयर सिलेंडर्स को सिग्नल भेजे जाते हैं। TMS UK के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के अनुसार मशीन सीजर्स और हार्ट फेलियर्स जैसी इमरजेंसी कंडीशंस को सिम्युलेट कर सकती है, जिससे ट्रेनीज को ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस गेन करने में मदद मिलती है। वो इस ट्रेनिंग के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि वर्तमान में बच्चों के इलाज के लिए एक्सेप्टेबल क्लिनिकल डेंटल प्रिपरेशंस की कमी है। करंटली पीडियोरॉइड को लगभग $1,95,500 की अच्छी खासी कीमत पर बेचा जा रहा है। जैपनीज कंपनी कवाडा रोबोटिक्स ने नेक्स्टेज नामक सबसे एडवांस कोलैबोरेटिव रोबोट्स में से एक डेवलप किया है। नेक्स्टेज एक रोबोट है जिसका मेन टास्क प्रोडक्शन लाइन जैसे मोनोटोनस वर्क में मनुष्यों को रिप्लेस करना है। मैन्युफैक्चरर के अनुसार रोबोट मनुष्य और अन्य मशीनों के साथ कोलैबोरेट कर सकता है और स्पेशलाइज्ड टूल्स का उपयोग कर सकता है। रोबोट के धड़ का वजन केवल 29 किलोग्राम है, जबकि इसका बेस 130 किलो जितना भारी है। जहां तक इसकी ऊंचाई की बात है, ये एडजस्टेबल है और मैक्सिमम 170 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। नेक्स्टेज 3 किलो तक का वजन उठाने में सक्षम है। रोबोट को कारखाने और अन्य प्रोडक्शन लाइन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे टैबलेट का उपयोग करके कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे स्पेसिफिक टास्क के लिए क्विकली कस्टमाइज किया जा सकता है। टोयोटा के इंजीनियर्स ने THR3 नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप किया है। इसके क्रिएशन के बाद से रोबोट में कई अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जिससे इसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रोबोट की मूवमेंट्स को मास्टर मैन्यूवरिंग सिस्टम मॉड्यूल को यूज करके एक ह्यूमन ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेटर को टैक्टाइल फीडबैक मिलती है और रोबोट से ट्रांसमिटेड इमेज वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पर डिस्प्ले होती है। स्पेशल ग्लव्स और सर्वो मोटर्स का भी इस्तेमाल होता है, जो ऑपरेटर को प्रिसाइज मूवमेंट्स और अप्लाइड फोर्स के साथ रोबोट को इंस्टेंटली कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है। रोबोट एक्सेलेंट बैलेंस डेमोंस्ट्रेट करता है, जिसमें एक पैर पर खड़े होने और वेरियस मूवमेंट्स करने की क्षमता भी शामिल है। हालांकि एक टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, इसमें लागू किए गए आइडियाज और कैपेबिलिटीज का उपयोग होम यूज, मेडिकल फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड एरियाज और यहां तक कि फ्यूचर में स्पेस के उपकरणों में भी किया जा सकता है। ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिरोशी इशिगुरो ने अपनी टीम द्वारा बनाए गए अल्ट्रा रियलिस्टिक एंड्रॉइड रोबोट्स की बदौलत रोबोटिक्स के क्षेत्र में दुनिया भर में पहचान हासिल की, जिसमें से सबसे लोकप्रिय रोबोट एरिका है। एरिका एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन सिस्टम के साथ एक सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के कारण फंक्शन करता है। प्रोफेसर इशिगुरो की टीम ने न केवल रोबोट को नई आंखें, कान और अन्य रियलिस्टिक पार्ट्स प्रदान किए, बल्कि इसे बातचीत करने की क्षमताओं से भी इक्विप्ड किया। रिसर्चर्स ने हाल ही में एरिका को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ने की योजना की घोषणा की, जिससे वो वेरियस टॉपिक्स पर फ्रीली बातचीत कर सकें। ऐसा आश्चर्य होता है कि क्या एरिका मनुष्यों द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर जाएगी और क्या वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने के बाद मशीन विद्रोह का कारण बनेगी। एजिलिटी रोबोटिक्स वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स और अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूज के लिए बाइपेडल वॉकिंग रोबोट के डेवलपमेंट में माहिर है। ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू मोबिलिटी और ऑटोनॉमी के मामले में रोबोट के लिए नई पॉसिबिलिटीज खोलती है। डिजिट एजिलिटी रोबोटिक्स का एक बाइपेडल ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे वेयरहाउस ऑपरेशन जैसे ह्यूमन सेंट्रिक लॉजिस्टिक वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें फुर्तीले अंग और सेंसर से भरा धड़ है, जो इसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में नेविगेट करने
और टास्क को पूरा करने की अनुमति देता है। डिजिट मूव कर सकता है, आइटम्स को पकड़ सकता है और वेयरहाउस के टाइट स्पेसेस और कोनों में आइटम्स को संभाल भी सकता है। ये अनइवन टेरेन्स पर भी काम कर सकता है और ऑब्स्टिकल से बच सकता है। डिजिट के पोटेंशियल यूज केसेस में शामिल हैं पैकेज डिलीवरी, वेयरहाउस ऑपरेशंस, ह्यूमन स्पेसेस में काम करना और साथ ही सुस्त, गंदे और खतरनाक काम को संभालना। डिजिट ऑलरेडी अमेज़न वेयरहाउस में अपनी पहली नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। ये एक छोटा क्यूट रोबोट जो आपके हर डांस मूव की नकल कर सकता है। सोनी प्लेस्टेशन टीम ने अपना ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें 26 जॉइंट्स और 26 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये अमेजिंग है कि कैसे एक बाइपेडल स्ट्रक्चर को इतने छोटे आकार में कंप्रेस किया जा सकता है और एक रिलेटिवली लो पावर सर्वो मोटर रिस्पॉन्सिवनेस, मोशन और बैलेंस के इस लेवल को अचीव कर सकती है। कंपनी के अनुसार सिस्टम इंटेंस ह्यूमन मूवमेंट्स को तुरंत ट्रैक करने और बैलेंस बनाए रखने के लिए पावरफुल स्टेबिलाइजेशन कंट्रोल को यूज करता है ताकि वे बिना गिरे आगे बढ़ सकें। इसके पैरों के तलवे सेंसर से लैस है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटरमाइन करता है। सो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रोबोट ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।